कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे दिमाग सलग कर ये बनाएंगे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेट में जाएंगे जैसे बता रहे हैं हम लोग इसको अच्छा होगा जैसे बता रहे हैं अब आएंगे इफेक्ट में अब यहाँ पर आएंगे 3D रोटेशन में और ये जो है ये वाला जेड रोटेशन इसमें भर देंगे इंटर कर देंगे हो गया फिर एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ से इस तरह से और इस शेप को इसके सेंटर में रखेंगे कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट करेंगे उसके बाद फिर इसको इसके बॉटम एरिया में रखेंगे कंट्रोल डी इन सभी को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से आएंगे से फॉर्मेट में यहाँ से इसको कर देंगे अलाइन सेंटर सही है अब इसको कर लेंगे कंट्रोल जी ये हो गया अब कंट्रोल डी करेंगे इस तरह से अब इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे आएंगे फिर अलाइन में अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल और इसको पकड़ कर सेंटर में रखेंगे इस तरह से बाहर क्लिक करेंगे अब इसको इस तरह से करेंगे यहाँ से बिना कुछ दबाए लेफ्ट बटन से रोटेट हो रहा है ये आखिरी बचा है ना अब इसको एडजस्ट करेंगे इसमें ये तरह से हो गया उसके बाद फिर एक बनाएंगे यहाँ से एलिप्स कंट्रोल शिफ्ट दबा करके इस तरह से फिर इसको इसके सेंटर में रखेंगे इन सभी को कर लेंगे अनग्रुप हो गया कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप हो गया उसके बाद फिर इन सभी रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल जी कर लेंगे इसको कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट करेंगे कैसे करें
ये हो गया। अब करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी। अब आएंगे सेफ फॉर्मेट में, यहाँ पर है एडिट सेप में, तो यहाँ से कर देंगे चेंज से, और यहाँ से इसको कर देंगे इलिप्स, और बाहर क्लिक करेंगे तो ये इलिप्स बन जाएगा। अब इन सभी इलिप्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेंगे। कंट्रोल जी, ये हो गया। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे सभी को, और बाद में इस इलिप्स को, और यहाँ पर आएंगे सेट फॉर्मेट में मर्ज सेट में, और यहाँ पर यहाँ इसको कर देंगे फ्रेगमेंट। जब ये हो जाए फिर इन सभी को कर देंगे डिलीट। नहीं तो अभी कंट्रोल जेड करते हैं, एक और बनाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो बीच में ये इस तरह से है ना, तो ये हमको चाहिए। भेज दे रहा हूँ अभी, रुकिए आधे घंटा तक। हाँ हाँ रोल नंबर भेज दूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हाँ इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, शिफ्ट बटन दबा कर। कंट्रोल जी करेंगे और इसको साइड में करेंगे इस तरह से। ये हो गया इधर साइड में। अब इस लाइनों को सेलेक्ट करेंगे, जो क्रॉप किए थे इन सभी को फ्रेगमेंट, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल जी कर देंगे। अब इन सभी को सेट करना है जिस तरह से इसमें ये सब सेट हुए हैं, इस तरह से। इसको सेंटर में करेंगे यहाँ पर। और इसको छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबा करके छोटा करेंगे तो सेंटर से छोटा होगा, इस तरह से। फिर उसके बाद एक इलिप्स लेंगे यहाँ से, ये वाला राउंडेड सर्कल, हेलो, इसको बनाएंगे कंट्रोल शिफ्ट दबा करके इस तरह से। और इस नोट को इस पकड़ेंगे और इसको इस साइड करेंगे इतना। फिर अब इसको सेट करना है तो हम पहले इसको कर लेते हैं इसका डुप्लीकेट, कंट्रोल डी करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट दबा करके छोटा करेंगे इसको, इस तरह से। अगर और छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबा करके छोटा कर सकते हैं।
उसके बाद फिर इस जो ये सर्कल बना है इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा करके छोटा करेंगे और इसको पकड़ेंगे यहाँ पे लेकर आएंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे कंट्रोल शिफ्ट दबा कर इस तरह से। अब इस लाइनों को पकड़ेंगे इसको छोटा करेंगे और फिर इसको छोटा करेंगे अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे या इस तरह से आएंगे से फॉर्मेट में अलाइन में अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल करेंगे। तो ये अभी सही से नहीं सेट हो रहा है नीचे अब उसके बाद ये हमको ये सेट करना है तो एक और सर्कल चाहिए और ये लाइन चाहिए तो हम इस सर्कल को यहाँ से क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट दबा करके इसका साइज इस तरह से इंक्रीज करेंगे और इस लाइन का कंट्रोल डी करके इसका साइज इंक्रीज करेंगे और ये तो है इसको भी इस तरह सेट करेंगे तो ये छोटा पड़ रहा है तो इसको भी कंट्रोल शिफ्ट से इंक्रीज कर देंगे। अब पूरे को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल कर देंगे इस तरह से। अब पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट दबा करके छोटा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। कौन ये इसको थोड़ा सा और और इन सभी को सेलेक्ट करके इन सभी का आउटलाइन रिमूव कर देंगे इस तरह से फिर इन सभी को अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल कर लेंगे। तो सही है जब ये बन जाए तो अब हम इसके बैकग्राउंड का कलर फिल करेंगे इस पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड कर देंगे ग्रेडियंट पर और यहाँ से कर लेंगे इसको रेडियस और फिर इसको सेट करेंगे तो रेडियल कैसा चाहिए वो आप इस तरह सेट कर लीजिएगा किधर को चाहिए कैसे चाहिए फिर इन सभी को सेलेक्ट करके इन सभी का फिर कलर ब्लैक करेंगे से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ब्लैक। अब इन सभी को पकड़ कर इस साइड रखेंगे ये हो गया। उसके बाद फिर ये लाइन बनाना है ये लाइन बनाना है और ये लाइन तो इन सभी को कैसे बनाएंगे इसी लाइन को कर लेंगे कंट्रोल डी डुप्लीकेट हो गया इसको यहाँ पर लेकर आएंगे कंट्रोल डी कर लेंगे इसका और फिर एक रिटेंगल लेंगे यहाँ इसको इस तरह से साइज में कर लेंगे सेंटर में करेंगे इसको सेट दबा करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल कर लेंगे ये हो गया। इसका डुप्लीकेट करेंगे जितना जरूरत हो उतना कर लेना और फिर सभी को सेलेक्ट करके
अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल। शिफ्ट के साथ इस सर्कल ग्रुप को सेलेक्ट करके अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल, ये हो गया। अब इसको सेट करना है इसी में। अगर इसमें ज्यादा हो तो उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। कंट्रोल जेड करते हैं। अब सभी को शिफ्ट बटन दबा करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये सर्कल को सेलेक्ट करके मर्ज सेट में आएंगे और यहां से कर देंगे फ्रेगमेंट, ये हो गया। फिर इन सभी को कर देंगे डिलीट। इसको भी इस तरह सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, शिफ्ट बटन दबा करके। और कंट्रोल जी कर देंगे। इसका अभी आउटलाइन पूरा ब्लैक कर देंगे। इसको भी पेज को छोटा करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट दबा करके इसका साइज इंक्रीज करेंगे। और फिर इसको इधर ला करके इस तरह सेट करेंगे। ये यहाँ पर हो गया। इसका करेंगे अभी कंट्रोल डी और इसका साइज इंक्रीज करेंगे। इसको इधर सेट करेंगे, इसके अंदर इस तरह से। अब हमको एक इलिप्स लेना है तो हम यहां से एक इलिप्स ले लेंगे और यहां पर कंट्रोल से दबा करके इतना बड़ा बनाएंगे एक इलिप्स। इसका कलर ब्लैक कर देंगे और इसको इसके सेंटर में रखेंगे इस तरह से। कंट्रोल दबा करके इसका डुप्लीकेट इसके नीचे लेकर आएंगे। इसको भी इसके सेंटर में ही रखेंगे। और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी करके कंट्रोल डी करेंगे और इन दोनों को पर रख करके इसको रोटेशन देंगे इस तरह से। ये हो गया। फिर सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी कर देंगे। अगर ये जो इस पर इलिप्स लगा है, अगर इसमें आप कोई कलर फिल करते हैं तो इसमें कलर फिल करके भी लगा सकते हैं। और फिर इसका साइज इंक्रीज करना है। कंट्रोल शिफ्ट दबा करके इनका साइज इंक्रीज करेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब इसमें हमको अब एनिमेशन सेट करना है। तो इसमें ये जो है, ये सभी इन सभी पर पहले जो एनिमेशन रहेगा वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर पहले हम लगाएंगे एनिमेशन में पल्स, पल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको वेट थ्री। सभी टाइम यहाँ से अपने आप सेट करिएगा। फिर एड एनिमेशन में आएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे स्पिन। यहाँ से प्रीव्यू आप ऑन कर लीजिएगा तो ये प्रीव्यू दिखाएगा। इसको अभी कर लीजिएगा आप विथ प्रीव्यू। यहाँ से प्रीव्यू करके देखिए तो इस तरह से ये हो रहा है, लेकिन काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो अब इस फॉर्मेट बैकग्राउंड को यहाँ से हटाते हैं। एनिमेशन पेन को ओपन करेंगे। स्पिन को हम चाहे तो आप इन दोनों को साथ में समय दे सकते हैं। सेट कर लिए। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। एनिमेशन पेंटर से शॉर्टकट बता रहा हूं तुम सबको, इस पर क्लिक कर देंगे, वो होने लगा। फिर उसके बाद एनिमेशन पेंटर से
इस लाइन पर क्लिक कर देंगे, फिर एनिमेशन पेंटर से इस रेक्टेंगल पर क्लिक कर देंगे, फिर एनिमेशन इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिर इस इलिप्स पर, ये हो गया। अब यहाँ पर टाइम सेट करना है इन सभी का, तो शिफ्ट दबा करके सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और टाइम अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ से प्रीव्यू करके देखते हैं, तो ये सब अभी एक साथ हो रहा है ना, जब ये सभी इस तरह से सेट हो जाए उसके बाद फिर टाइम को सेट करना है। तो टाइम हम ऐसे देखेंगे कि जो स्पिन था, अरे पल्स, उसको आगे पीछे करना है। तो ये जो सेट था, इसमें का पल्स फर्स्ट वाला ये है, सेकेंड वाला ये है, तो अब इसको यहाँ से पहले इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से, और इन सभी को थोड़ा सा आगे कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से डिले भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको 25 कर दे रहे हैं, फिर इस पर क्लिक करके इसको 50, फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से 75, फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से 1, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ से 125, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके करेंगे 150, फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से करेंगे 70। अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं यहाँ से, तो ये इस तरह से हो रहा है ना, सही हो रहा है ना। आप इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, अभी ये स्किन का है, ये पल्स का, ये स्किन, पल्स, स्किन, पल्स, स्किन, पल्स, स्किन, पल्स, स्किन, पल्स, सही है। इसको यहाँ से अभी क्लोज करते हैं। अब हमको इस पर स्पिन लगाना है, तो यहाँ से स्पिन लगा देंगे इस पर, काफ़ी तेजी से हो रहा है, तो यहाँ से आप इसको कर दे विथ प्रीवियस, सभी विथ प्रीवियस रहेगा इसमें, और टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और वही इस पर भी लगा देंगे, इस वाले पर, ये हो गया। अब इन सभी का रोटेशन हमको बदलना है, तो एनिमेशन पेन यहाँ से ओपन कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो स्पिन है, यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में इसको कर देंगे काउंटर क्लॉकवाइज, तो इस तरह से ये घूमेगा। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे इसी तरह से, फिर उसके बाद इसको करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद इस पर सेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर इस पर सेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, हेलो क्या कर रहे हैं, भेज रहा हूँ सर जी।
तो इस तरह से और सभी का टाइम सेट करेंगे, सभी को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से शिफ्ट दबा करके सेलेक्ट हो गया। अब यहीं सब पर राइट क्लिक करेंगे, आएंगे इफेक्ट ऑप्शन में, टाइमिंग में आएंगे, रिपीट एरिया में कर देंगे इन सबको अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, और यहाँ से कर देंगे ओके। टाइम बढ़ाना है तो तुम सब यहाँ से टाइम बढ़ा सकते हो, सभी को सेलेक्ट कर लो और टाइम इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ से प्रीव्यू करके देखो, फैंटास्टिक ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन बाय सतीश सर। पर ये ब्लर क्यों हो रहा है, ब्लर क्यों हो जा रहा है? अच्छा अच्छा सब कुछ जाने का है। वो स्टार होती था से फिर से देख लो, सभी को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये हो गया। राइट क्लिक करके जाएंगे टाइमिंग में, इफेक्ट ऑप्शन में टाइमिंग, और यहाँ से रिपीट में कर देंगे अनटिल, फिर ओके कर देंगे। बस यही तक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने सिखाया आज का प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और तो आप लोग भी देख सकते हो कितना खूबसूरती के साथ हमारे सतीश सर ने अंतरिक्ष कंप्यूटर सेंटर में एक बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन को बनाना सिखाया। सो ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को और देखते रहिएगा जुनूस ब्लॉग। थैंक यू।